हेलो फ्रेंड्स, कोटली क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने एक नई सीरीज शुरू की है क्वेश्चन की, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। उसका जो क्लेरिफिकेशन होगा हम स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देंगे, तो आप थोड़ा गौर से देखना और जो भी होगा एक्स्ट्रा जो डिटेल होगी वो यहाँ पे मैं राइट करने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग उसको पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन के स्पष्टीकरण हेतु कौन सी कल्याणकारी योजना को रेखांकित किया गया है। तो एक में तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो घटना या जो वृत्तांत अभी जो चल रहा है ये किससे संबंधित है या किस बात को लेकर ये शुरू किया गया है। अब अगर इसको आप ये समझेंगे कि किस घटना से लेकर शुरू किया गया है या क्यों किया गया है, तो इसमें आप देखना कि जम्मू कश्मीर पे बोलते हुए ये जो घटना है ये शुरू की गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्वलंत मुद्दा होता है भारत के अंदर, तो जम्मू के ऊपर जो भी आज वर्तमान में वहाँ पे जो अलगाववादी गतिविधियाँ एक्टिव हैं, वहाँ पे लोगों का जो जीवन स्तर लगातार अव्यवस्थित चल रहा है, सरकारें अस्थिर हो रही हैं, उनको लेकर एक योजना शुरू की गई है जिसमें तीन शब्दों को शामिल किया गया है। और आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन में चार शब्द हैं, जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। तो इसका जो ऑप्शन है कि कल्याणकारी योजना को रेखांकित किया गया है, तो ध्यान रखना ये पूरी की पूरी एक योजना है जिसमें तीन मूल शब्दों को शामिल किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, सही, उपयुक्त, सभी की चर्चा चल रही है। ध्यान रखना इसी के साथ में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो आरक्षण संशोधन विधेयक है 2019, ये 2019 संशोधन विधेयक आरक्षण से संबंधित ये भी जारी कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था पीओके वाला, एलओसी के नज़दीक जो लोग रह रहे थे उनसे संबंधित जो विवाद था, उनसे संबंधित जो विशेष परिस्थितियाँ थी उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, G20, आपको पता होना चाहिए कि G20 देशों के अंदर या इस समूह के अंदर कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि G20 की अगर बात की जा रही है तो G20 में 19 तो हैं देश शामिल तथा एक है संगठन। एक संगठन कौन सा है, तो वो संगठन है EU, यूरोपियन यूनियन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में क्या क्या शामिल है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 देश शामिल हैं और इसका जो मुख्यालय है, अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है ये मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। इसका जो मुख्यालय है ये मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स जो है ये राजधानी है बेल्जियम की। तो आपको सबसे पहले ईयू में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 28, मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है, बेल्जियम की। दूसरी अगर बात की जाए कि यूरोपीय समूह के अंदर एक मुद्रा भी चलती है जनरली जो पूछी जाती है, अब अगर उस मुद्रा की बात करें तो आपको पता है कि वो मुद्रा है यूरो। अब यूरो जरूरी नहीं है कि ये जो 28 इसके सदस्य देश हैं उन सभी में चलती हो, यूरो को लागू कर रखा है 19 देशों ने। तो आपको दो आंकड़े ध्यान रखने हैं, 28 और 19। अब G20 की बात की जाए तो G20 में देशों की अगर बात की जाए तो देश तो हैं 19 और संगठन है एक। अब अगर बात करें कि देश टोटल कितने हैं, तो एक तो आपको 19 का जो टारगेट है वो अलग करना है, प्लस इसके अंदर आपको ऐड करने हैं कितने, 28 अन्य। तो ये जो पूरा ग्रुप होगा, ये जो समूह होगा, ये G20 से संबंधित है। अब अगर बात की जाए कि G20 का जो सम्मेलन है ये कहां आयोजित किया गया है, ये सम्मेलन आयोजित किया गया है जापान के ओसाका में। जापान का जो ओसाका है वहां पे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब इसी से संबंधित एक ओसाका ट्रैक जारी किया गया है जिसका विरोध किया गया है भारत के द्वारा। तो सबसे पहले कि सम्मेलन कहाँ हुआ, ओसाका जापान में, ओसाका ट्रैक एक जो इनका सम्मेलन में जो एक होता है कि मतलब विचारधाराओं से संबंधित एक ट्रैक होता है उसको जारी किया गया था, इसको भारत ने नकार दिया है। अब अगर बात की जाए अन्य, तो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा ध्यान रखना, एक तो जापान, एक अमेरिका और एक भारत, इन तीनों का एक समूह बना है, तीन देशों का, जिसे जय विचारधारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी अगर बात की जाए तो ध्यान रखना इसी के अंदर एक अन्य जो समूह है उस समूह के साथ भी मोदी जी के द्वारा विचारधारा रखी गई थी, वो थी ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका, इन देशों का एक समूह है ब्रिक्स, उसके साथ भी इन्होंने अपने विचार विमर्श किए।
अब इन G20 सम्मेलन के अंदर क्या बात रखी गई थी, तो इसमें विश्व व्यापार, संसाधनों से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित या अन्य तत्कालीन या वर्तमान जो गतिविधियां हैं जो वैश्विक विचारधारा को प्रभावित करती हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। अब बात करें कि G20 की स्थापना, तो ये है 1999 की घटना। बात की जाए कि G20 का अभी जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है ओसाका में, तो अगला कहाँ होगा, तो अगले की अगर बात की जाए तो 2020 के अंदर अगला सम्मेलन जो होगा वो होगा सऊदी अरब के अंदर होगा। अब अगर बात करें क्या भारत के अंदर G20 का सम्मेलन आयोजित होगा, तो बिल्कुल होगा। 2022 के अंदर अगला जो टारगेट है वो कहाँ रखा जाएगा आयोजन का, वो रखा जाएगा भारत के अंदर। तो ये थी G20 से संबंधित जानकारी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स के विजेता कौन है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स है ये इवेंट है किससे संबंधित। तो आप सभी ने नाम सुना होगा माइकल शुमाकर का, F1 रेसर हैं, और अगर भारत की बात की जाए तो वो हैं नारायण कार्तिकेयन। F1 रेसिंग के मामले में जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स है ये अभी आयोजित की गई थी, और इसके जो विजेता हैं वो हैं मैम्स वास्टपन, जो पहला ऑप्शन है ए वो है। और अगर इनकी कई बार क्या पूछा जाता है कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और उसके आगे ये पूछा जाता है कि एक कौन सी कंपनी को संबोधित करता है, तो ध्यान रखना ये जो है ये रेडबुल के तरफ से उतरता है, रेडबुल का ड्राइवर है, नाम है मैम्स वार्सपन। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स के विजेता, आपको सिर्फ ये तीन चीजें ध्यान रखनी है और इसके अलावा आपको चौथा कोई ध्यान नहीं रखना। अब बात की जाती है कि एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया प्रशांत, प्रशांत महासागर है, एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा है। अगर एशिया के अन्य नाम अगर देखें तो एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, बहुत सी सभ्यताएं जो प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उनका उदय एशिया से ही माना जाता है, तथा इसे विभिन्न धर्मों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो धर्म है जैसे कन्फ्यूशियस धर्म हो सकता है, बौद्ध धर्म हो सकता है, जैन है, सनातन है, यहूद है, इनका अगर उत्पत्ति स्थल अगर आप देखोगे तो वो एशिया महाद्वीप ही है। अब इसमें अगर आप देखें तो आज वर्तमान में सबसे ज्यादा तनाव एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर ही है, क्यों, क्योंकि चीन की ड्रैगन नीति, और चीन की अभी अगर आपको पता हो तो बीजिंग के अंदर इन्होंने BRI बॉर्ड रोड इनिशिएटिव एक दूसरा प्रोजेक्ट जो था, दूसरा जो शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था, जिसका विरोध भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा किया गया। तो इसका जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो सीधी सी बात है ऐसे किसी देश में किया जाएगा जिसकी टेक्नोलॉजी के अंदर पकड़ अच्छी होगी, जहाँ की सरकार का अपना एक प्रभुत्व होगा, स्थायी शासन प्रणाली वहाँ पे चल रही होगी, तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर जिसकी GDP का अच्छा योगदान होगा। तो देखिए इसका जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया कहाँ पे, सिंगापुर के अंदर। तो आपको इनसे संबंधित जो भी तत्काल की जो चीज़ें हैं आपको उनको ध्यान में रखना है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि आप यहाँ पे कई बार बड़े ही मिसगाइड होते हो और कंफ्यूज भी होते हो। इसमें पूछा गया है कि स्ट्रम अटका एंटी टैंक मिसाइल भारत किस से खरीद रहा है। आपको पता है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का, लेकिन अभी हाल ही का जो रिकॉर्ड है 2018 के आधार पे जो 2019 में जारी किया गया है उसमें ध्यान रखना आयात के आधार पे भारत को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। दूसरी अगर बात करें कि निर्यातक कौन है, तो निर्यातक में सबसे बड़ा देश है अमेरिका, USA। अब बात अपनी चल रही है कि स्ट्रम अटका एंटी टैंक मिसाइल भारत ने किससे खरीदी है। अगर भारत वेपन खरीदता है, हथियार किसी से खरीदता है, तो उसमें अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इसराइल हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण देश है जिससे भारत हथियारों की आयात करता है, खरीद फरोख्त करता है। इसमें ध्यान रखना स्ट्रम अटका की अगर बात की जाए तो ये जो मिसाइल है, ये एंटी टैंक जो मिसाइल है या जो बंकर टाइप के जो रूम्स होते हैं सिक्योरिटी पर्पज से जिन्हें निर्मित किया जाता है उनको तोड़ने में सक्षम होती है ये मिसाइल, और इसे रूस से खरीदा गया है। अब इसका उपयोग वो किस में करेगा, अब इसका उपयोग क्योंकि एक प्रक्षेपास्त्र है, इसका अगर उपयोग की बात की जाए तो MI-35 हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है MI-35। अब ये रक्षा सौदा कितने करोड़ का है या इसकी रकम क्या है, तो ये लगभग 200 करोड़ डॉलर का रक्षा
सौदा है। तो ये चीज़ें आपको कुछ इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किस देश ने भारत के साथ जयपुर फुट समझौता किया है? किस देश ने भारत के साथ, अब अगर जयपुर फुट की बात की जाए तो एक आर्टिफिशियल फुट होता है और ये मुख्यतः पीके सेठी इससे संबंधित हैं। और जयपुर का अगर आप देखेंगे तो महावीर, भगवान महावीर विकलांग संस्थान जो है इसको वितरित करता है और ये एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट है जो हाथ भी निर्मित करता है, पैर भी निर्मित करता है। जो लोग कुछ असक्षम होते हैं उन्हें अपने कार्य करने में सुविधा मिलती है। और अभी अगर आप ध्यान देखें तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इन रेडीमेड, अगर इन इक्विपमेंट्स की, हाथ पैरों की अगर कहीं ज़रूरत है, या अगर कहीं पे अगर आप देखेंगे कि मानव शरीर में अगर अक्षमता अगर सर्वाधिक अगर कहीं पाई जा रही है तो वो है कोरिया गणराज्य। तो कोरिया के बोंग किल सील ये वहाँ के राजदूत हैं, उनके साथ में जयपुर फुट का एक समझौता किया गया है भारत के द्वारा। अब जयपुर फुट से संबंधित व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो आपको उसका नाम ध्यान होना चाहिए, उनका नाम है पी के सेठी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सातवां क्वेश्चन, विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक, जनरली आप देखेंगे करंट के अंदर पुस्तक हो गई, खेल से संबंधित हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई विवादित घटना हो गई, जैसे किसी संगठन के अंदर कोई विवाद हुआ या किसी योजना से संबंधित कोई विवाद हुआ या कोई ऐसा प्लान था जो दो देशों के बीच में समझौते के साथ प्रारंभ किया गया लेकिन तीसरे देश ने उसके ऊपर कोई विवाद उठाया हो, ऐसी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये जो ज़्यादा चर्चा में जो रहने वाले टॉपिक होते हैं उनमें व्यक्तित्व हो सकता है, पुस्तक हो सकती है। तो ये जो पुस्तक है विस्पर्स ऑफ टाइम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं कृष्णा मेनन, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भालू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, पहला भालू महोत्सव अगर अपन इसकी बात करें तो ये आयोजित किया गया है आगरा में, लेकिन इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि पहला उल्लू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो वो किया गया है पुणे में। क्योंकि अगर अपन देखते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कार्य हैं वो 15वीं शताब्दी से ही प्रारंभ है, और भारत का अगर सनातन धर्म आप देखेंगे तो जो वैदिक संस्कृति है वो प्रकृति संरक्षक मानी जाती है, क्योंकि उसमें प्रकृति को एक भगवान की तरह पूजा जाता है। तो अपने अगर आप भारतीय क्षेत्र में देखें तो जैसे वर्षा है तो उसे इंद्र देवता के तौर पे देखा जा रहा है, अग्नि है तो उसे भी अग्नि देवता के तौर पे देखा जा रहा है, जल है तो उसे जल देवता के तौर पे देखा जा रहा है, अपने शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से माना जाता है, उसमें पवन या वायु भी एक देवता के तौर पर है। तो अपना जो एक धार्मिक महत्व होने के कारण अगर आप देखेंगे तो जीवों के प्रति भी एक अलग लगाव है भारतीय क्षेत्र के अंदर। तो आप ध्यान रखना, उल्लू वैसे लक्ष्मी जी का वाहन है, जो रूप चौदस आती है उस दिन उल्लू की पूजा भी की जाती है, और वैसे जो भारतीय पति हैं वो उल्लू के समान ही होते हैं, उनकी पूजा उसी दिन की जाती है। तो कई बार ये मीम्स भी चलते हैं, तो याद रखने का तरीका आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोगीबिल पुल का उद्घाटन किसने किया है? ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है और ये क्वेश्चन दो तरीके से चर्चा में रह रहा है। पहली बात कि इसका उद्घाटन किसने किया है और इसकी आधारशिला किसने रखी थी। बोगी जो पुल है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसका जो नाम है वो है अटल सेतु। इसका उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री व्यक्तित्व के आधार पे ये 15वें हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि इसकी नींव किसने रखी है, तो नींव रखी गई है HD देवेगौड़ा, हरलंद हली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, ये इनका पूरा नाम है जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि HD देवेगौड़ा सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। तो गुजराल साहब की जो विदेश नीति है जिसे कहा जाता है गुजराल डॉक्ट्रिन, ये भी भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार रहा हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल विदेश मंत्री किससे संबंधित थे? HD देवेगौड़ा के कार्यकाल से संबंधित थे। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, आज जो वर्तमान में जो युग है वो शिक्षा और तकनीक का युग है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित जो भी अगर किसी राज्य के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मोबाइल ऐप
जारी की जा रही हैं या कोई योजना जारी की जा रही है या कोई सहयोग दिया जा रहा है किसी भी प्रकार का, तो वो आपको याद होना चाहिए। अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के तौर पर कार्य करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें इन्होंने विकास करते हुए इसके आगे और जोड़ दिया गया कि बेटी खिलाओ योजना। दूसरी अगर आप देखो तो यहाँ पे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 1.5 लाख रुपए सगुन के तौर पे दिया जाएगा वैवाहिक जोड़े को। तो आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विकास करने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है, इसका नाम क्या है, शिक्षा सेतु। ये पूछा गया किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है, तो राज्य कौन सा है, हरियाणा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में आपको जो डिटेल जितनी आपके काम की हैं वो सब आपके पास में अवेलेबल हैं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र मंडली के अंदर जितना हो सके इसे वायरल कर दीजिए। हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, हमारी मेहनत और आपका जो सहयोग है वो हमें और आपको दोनों को ही विकास के मार्ग पर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।